हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो भाई ये है ब्रेजा 2023 VXI CNG है। आज देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए ओवरऑल लुक इसका, रियर से काफ़ी ज़बरदस्त लगती है भाई। जो इसकी प्रोफाइल लगती है ना, कुछ कुछ रेंज रोवर जैसी लगती है, और इसको लोग मॉडिफाई करने में रेंज रोवर की तरह ही लगती है मॉडिफाई होने के बाद। और तो चलो इसको फ्रंट से देखते हैं एक बार, इसको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले इसकी चाबी की बात करेंगे, तो चाबी की सुजुकी की वही ऑलराउंडर चाबी कुछ इस तरह की, लॉक अनलॉक। टॉप मॉडल में कुछ अलग चाबी आती है इसकी, जो वही चली आ रही है। फ्रंट से बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सुजुकी का लोगो, कुछ यहाँ पर क्रोम वर्क मिलता है, और ये ब्लैक पियानो फिलिस्सी में मिलती है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नंबर प्लेट का, और ये ब्लैक मिलता है नीचे इसमें इसका। साइड से बात करेंगे, इसमें प्रोजेक्टर विद हेलोजन बल्ब लाइट आती हैं, एलईडी लाइट्स नहीं आती हैं नीचे। यहाँ पे इंडिकेटर ये कुछ इस तरह के, नीचे फॉग लैंप वगैरह इसमें आता नहीं है। ये देखिए ओवरऑल इसका फ्रंट से लुक कैसी लगती है। साइड से बात करेंगे, ORBM बॉडी कलर मिलते हैं, और यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे इसके विडिंग मिलती है। और टायर साइज की बात करेंगे, तो इसकी MRF के टायर आते हैं, और 215 60R 16 का टायर मिलता है। व्हील कैप मिलते हैं सुजुकी के ओरिजिनल। डोर वाइजर आफ्टर मार्केट का पार्ट है, ये भी क्रोम, और डोर हैंडल पर कीलेस एंट्री वगैरह नहीं आती है इसमें। ये बिडिंग ये भी आफ्टर मार्केट लगी है, मतलब लगे तो शोरूम में ही है। मैं इनकी कॉस्ट बता दूंगा आपको लास्ट में कितना प्राइस था। रूफ रेल वगैरह इसमें आती नहीं है, VXI मॉडल है। यहाँ से इसका CNG और पेट्रोल टैंक। चलो तो इसके रियर से बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर शार्पिन एंटीना, स्पॉयलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रूफ रेल वगैरह इसमें आती नहीं है, यहाँ पे CNG लिखा हुआ मिलता है, और डिफॉगर वाइपर वगैरह इसमें आता नहीं है। यहाँ सुजुकी का लोगो ब्रेजा कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलता है यहाँ पे। ये टेल लाइट्स, इनमें बल्ब मिलता है आपको हेलोजन वाला येलो। और ये रही रियल से इसकी कुछ प्रोफाइल, इसमें 4 रिवर गियर सेंसर आते हैं, और नीचे रिफ्लेक्टर 2 आते हैं इसमें। प्लास्टिक क्वालिटी कुछ थोड़ी सी सही है, नॉर्मल कुछ इस तरह का मिलता है इसका रियर प्रोफाइल। साइड से बात करेंगे, तो जो क्रोम वर्क हुआ है ये शोरूम में ही जो है एसेसरीज के साथ मिला था। इनकी कॉस्टिंग वगैरह मैं सारी के एक साथ बता दूंगा। अंदर से देखते हैं एक बार इसको, कीलेस एंट्री वगैरह इसमें आता ही नहीं है, मैंने बता दिया आपको पहले ही। तो चलो इसको एक बार अंदर से देखते हैं। सबसे पहले विंडो की बात करेंगे, तो चारों पावर विंडो आती हैं इसके, यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, ORB में यहाँ से सेट कर सकते हैं इसके। और ये यहाँ से डोर हैंडल कुछ इस तरह का आता है, लॉक अनलॉक करने के लिए ये है ही। एक बोतल होल्डर आता है यहाँ पे, थोड़ा बहुत स्पेस, और एक स्पीकर यहाँ पे आता है इसका। चलिए इसके एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखते हैं। ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे RPM मीटर, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पे पेट्रोल के लिए, और ये CNG बिलिंग कर रही है CNG के लिए। ट्रिप वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं हम इसकी, और यहाँ से कुछ कंट्रोल इसके कर सकते हैं हम, एवरेज वगैरह, रेंज 1 किलोमीटर कुछ। और यहाँ पे शो करती है, खिड़की खुली हुई है, विंडो खुली हुई है, बंद है कुछ इस तरह से। ये रहा इसका स्टेयरिंग, बीच में सुजुकी का लोगो, यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल वगैरह मिलते हैं इसमें, और यहाँ से कॉल वगैरह उठाने के लिए। एक एयर बैग यहाँ पर मिलता है, और वाइपर नॉर्मली वाइपर मिलते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर नहीं आते इसमें, लाइट्स भी मैनुअली आती हैं। और स्टेयरिंग की बात करेंगे, टिल्ट टेलीस्कोपिक नहीं आता है, टिल्ट ही आता है केवल। ये रहा इसका 7.0 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, नॉर्मल ही है, टच वगैरह सही है, काम कर रहा है, अच्छा है, क्वालिटी ठीक ठाक है। और ये देखिए यहाँ पे इसके AC के नॉब्स मिलते हैं, यहाँ से चारों इंडिकेटर जल जाएंगे इसके। ऑटोमेटिक AC आता है इसमें, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए वायरलेस चार्जिंग वगैरह नहीं आती है इसमें, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB मिलती है कि यहाँ पे। 5 मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, 4 रिवर गियर सेंसर मिलते हैं, कैमरा वगैरह इसमें आता नहीं है VXI मॉडल में होते हुए भी। और ये कुछ हैंड ब्रेक इस तरह का आता है इसका, यहाँ 2 कप होल्डर मिलते हैं, और यहाँ थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए जगह मिलती है। इसे बात करेंगे, ये इसका ग्लव बॉक्स ठीक है, AC वगैरह नहीं आता ग्लव बॉक्स में। ORBM की बात करेंगे, डे और नाइट के लिए सेट कर सकते हैं, यहाँ पर माइक वगैरह, और यहाँ पर मिरर वगैरह आता नहीं है, यहाँ पर एक मिरर आता है। साइड से बात करेंगे, यहाँ पे यहाँ से हम लाइट को सेट कर सकते हैं, और CNG पे कन्वर्ट, पेट्रोल और CNG कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मिलता है। AC के नॉब्स यहाँ पे मिलते हैं, और इसमें टोटल 4 स्पीकर्स आते हैं, 2 ट्विटर आते हैं, एक यहाँ पे ट्विटर और एक यहाँ पे
तो ओवरऑल ये देखिए इसका डैशबोर्ड प्रीमियम सा लगता है, ठीक है। क्वालिटी जो है थोड़ी ठीक ही है, मतलब ज़्यादा अच्छी तो कहेंगे नहीं, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। चलो एक बार इसको रियर से देखते हैं। ये देखिए मेरी 6 फुट हाइट है, उसके अकॉर्डिंग अगली सीट है मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी थी। रियर में काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, मतलब ठीक ठाक स्पेस मिलता है। विंडो की बात करेंगे तो यहाँ से खिड़की खोलने के लिए और डोर हैंडल कुछ इस तरह का मिलता है, शीशे को अप एंड डाउन करने के लिए यहाँ पर मिलता है, और एक बोतल होल्डर पीछे भी मिलता है, और एक स्पीकर। यहाँ पर रियर में एसी वेंट्स मिलते हैं, चार्जिंग सॉकेट इसमें नहीं आता है, यहाँ पर नॉर्मली बीच में थोड़ा सा हम्प मिलता है। और ये रही इसकी रियर से प्रोफाइल, ये थोड़ा सा ओवर लगते हैं, आगे दिखेगा नहीं इसके आगे बंदे को। देखिए पीछे यहाँ पे इसमें पार्सल ट्रे वगैरह आती है, और ये हैंडल। चलो इसका बूट स्पेस देखते हैं किस तरह का मिलता है। यहाँ खिड़की, यहाँ बूट को खोलने के लिए यहाँ पे मिलता है बटन, और यहाँ पे दो बल्ब मिलते हैं। ये देखिए थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है इसमें, जैसे टाटा की गाड़ियों में आ रहा है ना, नीचे सिलेंडर वगैरह नीचे फिट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह का देना चाहिए इसमें भी। यहाँ पे एक पार्सल ट्रे मिलती है, ये रहा सीएनजी सिलेंडर। चलो एक बार इसके इंजन को देखते हैं। बूट को खोलने के यहाँ पे मिलता है इसका, ये देखिए कुछ इस तरह से। ये रहा इसका 1462 cc 4 सिलेंडर पेट्रोल प्लस सीएनजी इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 87 bhp और 121 Nm टॉर्क। एवरेज की बात करेंगे, कंपनी क्लेम जो करती है 25 km/kg का क्लेम करती है। और एक बार इसको मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ साउंड किस तरह का आता है। ये देखिए नॉर्मली खड़ी है बिल्कुल, ये साइलेंट इंजन है। जो VS6 नॉर्म्स 2 आए हैं ना, काफ़ी साइलेंट हो गए इंजन, और वैसे भी सुजुकी का इंजन काफ़ी साइलेंट है, 1.5 लीटर का जो इंजन है। और इसके एसेसरीज़ की बात करते हैं, जो कंपनी ने अलग से एसेसरीज़ दी है ना उनके बारे में, तो यहाँ पे क्रोम और ये डोर वाइज़र, रैंड वाइज़र भी बोल देते हैं इनको, और ये बिडिंग, और इसमें इमट फ्लैब ये जो है, और नीचे ये मैट। ये कंपनी ने जो दी है 16,000 रुपये में इनका प्राइस था। और ये ऑन रोड की बात करेंगे तो ये ऑन रोड आपको 12.5 लाख रुपये में UP 16 ग्रेटर नोएडा में पड़ जाएगी। तो ओवरऑल कैसी लगी हमारी वीडियो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्दी हम इसकी 1 kg CNG टेस्टिंग की वीडियो लाएंगे, काफ़ी कमेंट्स आ रही हैं भाइयों की। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।